नमस्कार बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो बंसल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटो पैनक्रिएटोबिलरी सर्जन है। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करने वाले हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय और लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में। इसके साथ ही आपको बताएंगे उसके इलाज के बारे में। तो अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर गुरसागर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गुरसागर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अग्नाशय क्या है और ये शरीर में कहाँ पर होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी, अग्नाशय पैंक्रियाज को बोलते हैं। पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है, एक ग्रंथि है, जिसमें से जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो हमारे खाना डाइजेशन में, पाचन में बहुत अहम रोल निभाते हैं। ये हमारे शरीर में ऊपरी हिस्से में, लेफ्ट साइड में, बिल्कुल पीछे की तरफ होता है, हमारे खाने की थैली के भी पीछे, और ये बहुत स्पाइन के बहुत नज़दीक रहता है। बहुत छोटा सा ऑर्गन है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं। मोस्ट जो दो इम्पॉर्टेंट इसके काम हैं, वो तो एक तो डाइजेशन में हेल्प करना, जो भी पैंक्रियाज से जूसेस सिक्रीट होते हैं, ये फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है और हॉर्मोन्स, तो एक हार्मोनल ग्रंथि भी है जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होते हैं। ये दोनों हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और जब खाना नहीं खाते हैं तब ग्लूकोज बहुत कम ना हो जाए, तो ये हॉर्मोन्स का बैलेंस मेंटेन करता है पैंक्रियाज, ताकि हमारे बॉडी में नॉर्मल ग्लूकोज के लेवल्स मेंटेन रहें। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय आपके बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट भाग होता है और क्या काम ये आपकी बॉडी में करता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता और आगे जाकर ये डेंजरस हो सकती हैं। जी, पैंक्रियाज में से उत्पन्न मोस्ट कॉमनली 3-4 बीमारियाँ होती हैं जो काफ़ी कॉमन है, जो हमारे फूड ईटिंग हैबिट से, फूड हैबिट से और हमारे लाइफस्टाइल से काफ़ी प्रभावित रहती हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, या पैंक्रिया से उत्पन्न होने वाले कैंसर या गांठें जिसको बोलते हैं। तो अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात करें, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है तीव्र गति से बढ़ने वाला जो पैंक्रियाज की सोजिश है, उसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जिसके अलग कारण होते हैं। और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है कि पैंक्रियाज में सोजिश धीरे धीरे आना, वक्त के साथ उसमें सोजिश बढ़ना, जिस कारण पैंक्रियाज अपना सही से काम नहीं कर पाता, उसको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और पैंक्रियाज में बहुत तरह की गांठें, ट्यूमर्स, कैंसर्स भी हो सकते हैं, जो अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये डॉक्टर गुरसागर ने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल हैं इससे जुड़े हुए, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर गुरसागर से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और उनके जवाब डॉक्टर गुरसागर आपको देंगे। डॉक्टर, आगे मैं बढ़ना चाहूँगी, जो बीमारियाँ अभी आपने बताई है, मैं चाहूँगी कि दर्शकों को आप विस्तार से इसके बारे में बताइए कि कितना ध्यान रखना ज़रूरी होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, और इसके साथ ही दूसरी जो बीमारियाँ आपने बताई हैं। जी देखिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो लक्षण होते हैं वो बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, तो बॉडी में आपको सडनली पेन महसूस होएगा, आपको पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा पेन रहेगा, जो इवन शायद मेडिसिन से भी रिलीव ना हो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कोई भी पेशेंट एक्यूट पेन लेके आता है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक हमेशा हमारा डायग्नोसिस मन में रहता है कि ऐसी बिल्कुल कुछ बीमारी हो सकती है। तो इसके कारण होते हैं यूजुअली, जो लोग बहुत अधिक मात्रा में मदिरा पान करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो उनको ये पैंक्रियाज में सोजिश होने का काफ़ी रिस्क रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है इसमें कि जो पित्त की थैली होती है, जो लिवर की सिक्रीशंस को अपने में स्टोर करती है, उसमें अगर पित्त की थैली में स्टोन्स बन रहे हैं, जिसको गॉल स्टोन्स बोलते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं,
अगर वो गॉल ब्लैडर से निकल के पित्त की नली में फंस के पेंक्रियाज की नली तक पहुंच जाएं तो उससे भी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिस कारण एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। बाकी कुछ दवाएं भी पेंक्रियाटाइटिस करती हैं, पेंक्रियाज की सोजिश करती हैं। तो इन सब में पेशेंट को जो लक्षण होते हैं उसमें बहुत तेज़ दर्द होगा पेट में और भूख नहीं लगेगी, हो सकता है पेट बहुत फूल जाए और पेशेंट को मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और इनिशियल 2-3 डेज़ में पेंक्रियाज के जो है सूजन है वो इस हद तक पहुंच जाती है कि पेंक्रियाज अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगता है। तो इस कंडीशन को एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। और जो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस है तो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में यही सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, मे बी मंथ्स टू ईयर्स के सालों साल कुछ डैमेज हो रहा है, वो भी शायद अल्कोहल लेने से या कुछ फैमिलियल कॉजेज़ होते हैं उनके कारण भी पेंक्रियाज लॉन्ग टर्म डैमेज होता है और उसमें पेंक्रियाज जो प्रॉब्लम होती है उसको क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये बीमारियां डॉक्टर गुड़सागर ने आपको बताई है, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, इसके साथ ही क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस, ये बीमारियां जो हैं वो आपको घेर सकती हैं। लेकिन कारण क्या बताया है? अल्कोहल। अगर आप शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके अग्नाशय को यानी कि पेंक्रियास को डैमेज कर सकता है। सर आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल मैं लूँगी, लेकिन हमारे साथ कॉलर पहले जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम छिंदवाड़ा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम ये बोल रहे कि हम बीजे रात का खाना खाए ना, तो यदि इसी लाके गोली ना खाए तो उल्टी, सुबह उल्टी होना शुरू हो जाती है। जी कब से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है? जी ये प्रॉब्लम हो गई 8-10 साल से। 8-10 साल से? तो जब भी आप खाना खाते हैं नाइट में उसके बाद आपको सुबह उल्टी होती है? हाँ, यदि गोली ना खाए तो। हाँ जी, अगर ना खाए तो इसी लाके गोली खाना पड़ता है। जी जी जी, ओके ओके। तो मेडिसिन ना खाएं तो आपको उल्टी होती है। तो देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, सालों साल कुछ आपको पेट में जो नॉर्मल पेट का रूटीन है वो सेट नहीं है, इसीलिए आपको कुछ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे खाना खाने के बाद अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आपको वॉमिटिंग हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें हो सकता है आपकी जो खाने की थैली है या फूड पाइप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है या लिवर की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिस कारण आपके ये सिम्टम्स बन रहे हों। तो इसमें आपको प्रॉपर इवेल्यूएशन करना चाहिए। एक तो आप प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लें और 8-10 साल से कोई मेडिकेशन खाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। पहली बात तो कि ये सब मेडिकेशंस कुछ हफ्तों के लिए मैक्सिमम हम दे सकते हैं, सालों साल जो मेडिसिन लेते हैं इसका भी बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप एक डॉक्टरी सलाह लीजिए, हो सकता है आपका अल्ट्रासाउंड करें, कुछ ब्लड टेस्ट करें, तब हम बीमारी को पकड़ पाएंगे। हो सकता है एंडोस्कोपी भी करनी पड़े, तभी आपकी बीमारी के जड़ तक पहुंच पाएंगे और इस तरह मेडिसिन खाने से शायद आपको रिलीफ ना मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन एक लंबा वक्त पुरुषोत्तम 8-10 साल का आपने व्यतीत कर दिया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि डॉक्टर गुड़सागर जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह पर आप अमल करिए और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर्स को आपको जाकर दिखाना चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया, उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर डॉक्टर गुड़सागर के जरिए आपको मिल गया होगा। डॉक्टर आगे बढ़ेंगे, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसका इलाज दवाइयों से संभव है? अगर नहीं है तो ऑपरेशन की कब ज़रूरत आन पड़ती है? जी देखिए, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में पेंक्रियाज की सोजिश बहुत तेज़ी से बढ़ती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं और पेंक्रियाज की सोजिश अगर नहीं कम हो रही है तब पेशेंट के लिए जो है समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। सभी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का इनिशियल शुरू के दिनों में जो है इलाज मेडिसिन से ही किया जाता है एंड सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट है। मतलब बहुत सभी पेशेंट्स को, पेंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, जो इसमें हम सीटी स्कैन करते हैं पहले पेशेंट्स का, उससे क्वांटिफाई करते हैं कि पेंक्रियास की प्रॉब्लम कितनी है। अगर पेंक्रियाटाइटिस माइल्ड है तो हो सकता है वो मेडिसिन से इम्प्रूव हो जाए और पूरा तरीके से रिकवर कर जाए। अगर सिवियर प्रॉब्लम उसमें आती है तो हो सकता है इनिशियल कुछ 2-3 हफ्तों में पेशेंट को मेडिकेशंस पे रखना पड़े, और अगर विद टाइम उस पर इन्फेक्शन होती है या पेंक्रियाज में कुछ पानी की थैली बनने लगती है जिसको इन्फेक्टेड नेक्रोसिस बोलते हैं, अगर ऐसे इन्फेक्शन के कारण नेक्रोसिस होने लगे तब सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो सर्जरी बहुत ज़्यादा शुरुआत के किस्त में रिक्वायर्ड नहीं रहती,
अनटिल अनलेस के अगर पेंक्रियाज की प्रॉब्लम की वजह से कोई ब्लीडिंग हो रही हो या इंटेस्टाइन में कोई छेद हो रहा हो, बिकॉज ये पेंक्रियाज से जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन के लिए जूसेस बनते हैं, तो पेंक्रियाटिस की जब सूजन होती है तो ये जूसेस बॉडी के ऑर्गन्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है तब शायद इमीडिएटली सर्जरी के लिए आपको रेकमेंड करें डॉक्टर, लेकिन मोस्टली मेडिसिन से इसका इलाज संभव हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर शुरुआती संकेत क्या होते हैं, किन संकेतों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है? ये शुरुआती संकेत ये रहते हैं, मोस्टली पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो पेन कंप्लेन करते हैं कि आप पेशेंट बताएंगे कि उनके पेट में ऊपरी हिस्से में स्पेशली सेंटर में पेन होता है, वो बहुत सिवियर है, पेन इतना सिवियर है कि वो उनको लगता है कि पीठ तक जा रहा है, मतलब बहुत ही तेज़ पेन होता है और इवन वो मेडिकेशंस ले रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, उसके बाद भी पेन रिलीव नहीं होता है और साथ में वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, पेट बहुत फूल सकता है और कई बार जॉन्डिस भी होता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो एक्यूट पैंक्रियाटिस का संकेत करते हैं। बिल्कुल, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बारे में तो डॉक्टर गुड़सागर आपने विस्तार से दर्शकों को बता दिया है, लेकिन ज़रूरी है कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बारे में भी विस्तार से हमारे दर्शक जाने। सर मैं चाहूँगी कि इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए और ये भी बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाती है। जी, तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में भी पैंक्रियाज की सोजिश होती है जो महीनों या सालों के बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें मुख्य कारण हमारे रहते हैं सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में कॉमन है वो है अल्कोहल का इंटेक करना। तो जो लोग रेगुलर ड्रिंक करते हैं उनके पेंक्रियाज में ऐसी चेंजेस होने लगती हैं कि पेंक्रियाज जो नॉर्मल सॉफ्ट पेंक्रियाज है वो हार्ड होने लगता है, पेंक्रियाज की जो नली होती है जिससे सिक्रीशन आती हैं उसमें भी वो सोजिश आती है, वो फूल जाती है और वो डायलेट हो जाती है, उसमें स्टोन्स बनने लगते हैं, पेंक्रियाज में भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म अल्कोहल इंटेक से होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो लोग नहीं ड्रिंक करते हैं उनमें भी ये क्रॉनिक पैंक्रियाटिस देखा गया है। ये इंडिया में थोड़ा सा कॉमन है, इसको ट्रॉपिकल पैंक्रियाटिस भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों की प्रीडिस्पोजिशन होती है, मतलब वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं कि उनके क्रॉनिक पैंक्रियाटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दो मुख्य कारण है इंडिया में। इसमें क्रॉनिक पैंक्रियाटिस में पेशेंट को पेन रहेगा जो बहुत लंबे समय से रहता है और हो सकता है उनको बीच बीच में तेज़ पेन हो, कई बार कम पेन रहता हो और वो बहुत सालों साल मेडिकेशंस खाते हों या एंटासिड्स खा रहे हों। तो ऐसे पेशेंट्स यूजली प्रेजेंट करते हैं, बार बार आते हैं हॉस्पिटल। और एक चीज़ और है कि पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पेंक्रियाज यूजली अल्ट्रासाउंड पे इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं होता है और ये पेंक्रियाटिस की प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड पे मिस होती है बहुत बार। तो ऐसे पेशेंट्स फिर यूजुअली पेन किलर्स या एंटासिड्स लेते रहते हैं और प्रॉब्लम पेंक्रियाज की अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं पेंक्रियाटिस की, क्रॉनिक पेंक्रियाटिस की प्रॉब्लम के, और इसके लिए ही आपको जो है रेगुलर टाइम पे कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप समझने की कोशिश करिए कि जिन चीज़ों पर, जिन बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं वो कितनी आगे जाके आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो या फिर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो, आप में आपको दोनों के लिए अगर आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। घर के डॉक्टर ना बने बल्कि किसी स्पेशलिस्ट से जाकर ही सलाह लीजिए। डॉक्टर गुड़सागर आगे बढ़ेंगे, मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे एक्यूट में हमने बातचीत की, आपने बताया कि दवाइयों से ठीक होने की कोशिश की जाती है, जब बहुत ज़्यादा स्टेज आगे बढ़ती है तब हम ऑपरेशन का सहारा लेते हैं, तो क्या क्रोनिक में भी यही होता है? जी, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। एक्चुअली क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में पेशेंट महसूस करते हैं पेन और उनको लगता है कि वो मोशंस में काफ़ी फैट लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज पैंक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम चलती रहती है तो पेशेंट का डाइजेशन बहुत पुअर हो जाता है, स्पेशली फैट्स का। तो फैट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, मोशन में ज़्यादा फैट्स एक्सक्रीट करते हैं और पेशेंट वेट लूज़ करते हैं, और साथ के साथ पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी आ जाती है, बिकॉज पैंक्रियाज जो क्रॉनिक टाइम से डैमेज हो रहा है तो उसमें डायबिटीज़ की एक मुख्य जो है सिम्टम सामने आता है, पेशेंट का शुगर लेवल्स बहुत हाई जाते हैं। तो ऐसे में यूजली जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो शुरुआती ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से ट्राई करते हैं और मेडिसिन से जो है कि प्रॉब्लम जो सिम्टम्स हैं कुछ हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को एंडोस्कोपिकली ट्रीट किया जाता है कि एंडोस्कोपी करके जो पैंक्रियाज की डक्ट है उसको डायलेट करके उसमें से स्टोन भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में जो सर्जरी है,
सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है, दैट मींस कि सर्जरी का बेस्ट रिलीफ रहता है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में। और सभी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस पेशेंट्स ये जो सर्जरी के बाद हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि कभी मेडिकेशन से इस हद तक का रिलीफ नहीं मिला उनको, जो ये लो ग्रेड उनका पेन सालों साल बना रहा। तो सर्जरी एक अहम भूमिका निभाती है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में, एंड मोस्टली पेशेंट्स इसके बाद काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को रिमाइंड करवा देते हैं कि आज हम अग्नाशय और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में आयुष्मान पर चर्चा कर रहे हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है, इस पर आप बातचीत करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर गुरसागर से, आप सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर आपके सवालों का तमाम जवाब देंगे। डॉक्टर, मेरा सवाल आपसे यह है अगला, क्योंकि कैंसर के अगर हम बारे में बात करते हैं तो कैंसर में स्टेजेस होती हैं, क्या इसमें भी इसी तरह की स्टेजेस होती हैं एक्यूट और क्रॉनिक में भी? जी बिल्कुल, एक्यूट और क्रॉनिक में भी स्टेजेस होती हैं। एक्यूट जैसे मैंने आपको समझाया था कि माइल्ड हो सकता है, सिवियर हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सूजन कितनी ज़्यादा है। जी, एंड क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में यूजुअली जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके बेस पे हम क्वांटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम किस स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज में यूजुअली मेडिकेशन से कंट्रोल करते हैं, और उसके जैसे ऊपर जाता है फिर एंडोस्कोपी, उसके ऊपर स्टेज में है तो उसमें सर्जरीज की रिकमेंडेशन रहती है। तो यूजुअली जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है इसकी भी स्टेजेस हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। बिल्कुल, स्टेजेस के आधार पर ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। आगे बढ़ेंगे सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी पैंक्रियाज कैंसर के बारे में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कैसे इसकी पहचान होती है और क्या सिम्टम इसके होते हैं। देखिए, पैंक्रियाज का कैंसर पूरे पैंक्रियाज एक जो है राइट टू लेफ्ट हमारी बॉडी में रहता है, और पैंक्रियाज की एक खास बात यह है कि जो लिवर से पित्त की नली बनती है जिससे लिवर के सिक्रीशंस आते हैं, वो पैंक्रियाज के थ्रू होके इंटेस्टाइन में जाती हैं। तो पैंक्रियाज में अगर कोई भी गांठ महसूस होने लगे, मतलब पैंक्रियाज में कोई गांठ आने लगे, तो उसकी वजह से पैंक्रियाज की प्रॉब्लम तो आती है, साथ के साथ लिवर की प्रॉब्लम भी आती है, और पेशेंट्स को पीलिया और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है पैंक्रियाज कैंसर पेशेंट्स को। तो अगर पैंक्रियाज में राइट साइड में ड्यूडेनम के साइड में जहां वो इंटेस्टाइन में खुलती है डक्ट, वहां पे कोई गांठ हो रही है तो हो सकता है पेशेंट को पीलिया हो और भूख ना लग रही हो, वज़न कम हो रहा हो, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अगर जो पैंक्रियाज का कैंसर है, जो गांठ है वो लेफ़्ट साइड के पार्ट में आ रही है, तो हो सकता है पीलिया इनिशियल स्टेज में ना आए, सिर्फ वो पेन महसूस करें, और इसी कारण से जो पीलिया लेट आता है तो बहुत सारे कैंसर्स उस स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं कि वो हो सकता है सर्जरी स्टेज से भी ऊपर जा चुके हों। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है पैंक्रियाज का जो कैंसर है, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स हैं यूजली कई बार मिस हो जाते हैं या नहीं आते हैं, और ये धीरे धीरे इस हद तक बढ़ जाता है कि उसमें ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं रहता। बिल्कुल सर, अगला सवाल मेरा आपसे, आपने अभी पीलिया का जिक्र किया, तो जब पीलिया होता है और आपने बताया कि एक सिम्टम होता है पीलिया पैंक्रियाज कैंसर का, तो उस समय क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है? क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पीलिया होता है तो घरेलू उपचार किया जाता है, क्या ध्यान देना ज़रूरी होता है जिसकी लापरवाही की जाती है? जी देखिए, पीलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, पीलिया एक बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है के पेट के अंदर कोई बीमारी चल रही है जी। और ये लक्षण यूजुअली पैंक्रियाज या लिवर से उत्पन्न बीमारियों का होता है। पीलिया बहुत तरह का होता है, कई बार पीलिया ब्लड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है या लिवर की प्रॉब्लम से हो सकता है। अगर पित्त की नली में या पैंक्रियाज में कहीं रुकावट है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, दैट मीन्स के वो पित्त की नली में रुकावट की वजह से पीलिया हो रहा है, तो इसमें जो गांठ है या कैंसर है उसका संकेत देता है, और जो आपके लिवर के हम टेस्ट करेंगे उसमें सामने आ जाती है पिक्चर के किस तरह का पीलिया है। दूसरी चीज़ होती है कि लिवर के कारण पीलिया हो रहा हो, कि लिवर में कोई इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस हैं, या लिवर सिरोसिस हो रहा है, या लिवर से कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण हेपेटाइटिस रह रहा है, तो उस कारण भी पीलिया होता है। उनका जो है ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और इस जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पीलिया है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो सभी तरह का पीलिया एक जैसा नहीं होता, इनका एक प्रॉपर क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है कि किस तरह का पीलिया है, और उसका इलाज भी डिफरेंट है। जैसे आपने संकेत दिया कि गांव में लोग उसको घरेलू उपचार करते हैं या कहते हैं कि हम पीलिया का झाड़ फूंक ट्रीटमेंट कर लें, वो एक बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि हम एक सिम्टम को ट्रीट करते हैं लेकिन बीमारी को अंदर छोड़ सकते हैं।
बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दमोह से, कमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमल स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पैनक्रियाज में क्या स्टंट भी डलता है क्या? हाँ जी जी, स्टंट भी डलता है। जैसे मैं समझा रहा था, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस ही प्रॉब्लम होती है, उसमें एंडोस्कोपी जो करते हैं तो पैंक्रियाज की नस जो है, जो डक्ट है, वो डायलेट हो जाती है, उसमें स्टोन बन जाते हैं, तो उसमें कई बार डॉक्टर्स एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो रुकावट ना रहे और उस वजह से आपकी जो क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के सिम्टम्स ना हो। लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है। अगर स्टेंट डाल रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ गई है और हो सकता है उसको नेक्स्ट स्टेज में सर्जरी करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका कमल बातचीत के लिए। उम्मीद है कि आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब डॉक्टर गुड़सागर के जरिए आपको मिल गया होगा। सर अगला सवाल मेरा आपसे है कि जब पैंक्रियाज का कैंसर होता है तो क्या उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन है या धीरे धीरे दवाइयों से भी इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए पैंक्रियाज के अगर कैंसर होते हैं, इनका सबसे पहला चीज़ यह है कि दवाइयों से इलाज संभव नहीं होता। पैंक्रियाज कैंसर का इलाज अगर संभव है सिर्फ ऑपरेशन से ही है जी। इसमें एक जो दुख की बात यह है कि मोस्टली पैंक्रियाज कैंसर डिटेक्ट इस स्टेज पे होते हैं कि उनका ऑपरेशन ही संभव नहीं हो पाता। सिर्फ 20-25% पेशेंट ही इस स्टेज में रहते हैं कि उनका ऑपरेशन हो सके जी। तो इसलिए जो पैंक्रियाज कैंसर इस स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं कि उनका ऑपरेशन हो रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ है और उसमें डिले नहीं करना चाहिए ये सोच के कि हम पहले मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें या कुछ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक स्टार्ट कर लें। उससे क्या है कि पैंक्रियाज की प्रॉब्लम सर्जिकल स्टेज से भी ज़्यादा हो सकती है और आप जो उसका क्योरेबल स्टेज से भी बाहर हो सकती है। बिल्कुल। सर अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अपने लीवर का और अग्नाशय का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे इसको स्वस्थ रखें, साथ ही ये भी बताइएगा दर्शकों को कि खान पान का कैसा ध्यान रखना चाहिए। जी देखिए, लीवर और अग्नाशय दोनों चीज़ों का एक कॉमन दुश्मन है, वो है अल्कोहल जी। तो अगर आप रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं, मदिरा पान कर डेली करते हैं, तो प्लीज़ उसको कम करें और या पूरी तरीके से उसको समाप्त करें। दूसरा चीज़ है कि हमारे प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं खाने होते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड हैं, कैंड फूड हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं, बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट फूड हैं, ये सब हमारी डाइट में हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी एब्डोमिनल में पेन होता है, पेट में कहीं भी दर्द महसूस होता है, तो उसको आप प्रॉपर एक डॉक्टरी सलाह लें, उसको चेकअप कराएं, ताकि कुछ ऐसे सिम्टम्स हम आप ना मिस कर रहे हों जिस कारण कोई बड़ी बीमारी अंदर पल रही हो। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो उसको लाइटली ना लें, बिकॉज उस कारण भी आपके बाकी ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी जड़ होती है नशा। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, इसके साथ ही जंक फूड, अगर आप बाहर के खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खुद का ध्यान रखिए, इसके साथ ही अपने खान पान को आपको हेल्दी बनाना है। डॉक्टर गुड़सागर बहुत धन्यवाद ये जानकारी इतनी अच्छी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। तो आज डॉक्टर गुड़सागर सिंह सहोता से पैनक्रियाज से जुड़ी तमाम बीमारियों के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी लीवर की बीमारी से परेशान हैं तो फौरन देर नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और साथ ही आपको बताएंगे इसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए पंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।